अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं, वो आपने F7 के अंदर भी पहले पढ़ा था, लेकिन F7 के अंदर जो चीज़ें थी वो मोस्टली कैलकुलेशन से रिलेटेड थी। इस टॉपिक का स्टैंडर्ड का नाम है IFRS 15, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। जो मैं F7 में पढ़ते थे वो मोस्टली फोकस होता था कैलकुलेशन में। अच्छा, जो FPR में आता है वो कैलकुलेशन तो होता है, लेकिन कैलकुलेशन इतना कुछ नहीं होता, मतलब कोई फुल फ्लेक्स क्वेश्चन आपका उस पे नहीं आ रहा होता, क्या कहते हैं, पूरे स्टैंडर्ड पे। जैसे इसके 5 स्टेप्स होते हैं, वो F7 में हुआ करता था, पूरे 5 स्टेप पूछा करता था। इसके अंदर कोई भी आपसे बीच का स्टेप थर्ड पूछ लेगा, फिफ्थ पूछ लेगा, और मोस्टली इसका जो फोकस होता है वो थ्योरी पे होता है। थ्योरी से मतलब एप्लीकेशन ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर। तो अच्छा, हम इसको शुरू कर लेते हैं। अच्छा, तो पहला सवाल ये होता है कि भाई रेवेन्यू हमारा क्या होता है। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू कोई भी इनकम होती है एंटिटी के लिए जो कि उसकी जनरेट होती है कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ या सर्विसेज, जो भी एक्टिविटीज वो प्रोवाइड कर रहा होता है उससे उसकी जो भी इनकम जनरेट होती है वो रेवेन्यू कहलाई जा रही होती है। अच्छा, रेवेन्यू बहुत एक इम्पॉर्टेंट, क्या कहते हैं, एक फिगर होता है, या एक इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ होती है मोस्टली यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि वो उससे उसकी एंटिटी की परफॉर्मेंस जज कर रहे होते हैं। क्योंकि बहुत से रेशियो नहीं रहते, जैसे क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन में काम आ रहा होता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो जैसे कि अभी हम आगे, आप लोग एडवांस ऑडिट अगर जो लोग भी पढ़ेंगे, वो एक तरीके से एडवांस ऑडिट के अंदर भी रेवेन्यू की फिगर एक ऑडिट रिस्क कहलाई जा रही होती है। क्योंकि होता ये कि एंटिटीज, कुछ कुछ एंटिटीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए रेवेन्यू की अर्ली रिकग्नाइजेशन कर देते हैं। रेवेन्यू की अर्ली रिकग्नाइजेशन से उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैनिपुलेट हो जाती है और एक फेवरेबल पोजीशन के अंदर आ जाती है। तो इसलिए उसके अंदर एक, ये ऑडिट के अंदर एक ऑडिट रिस्क भी कहलाया जा रहा होता है। ठीक है, हमारा जो रेवेन्यू की जो रिकग्नाइजेशन होती है वो 5 स्टेप पे बेस होती है, 5 स्टेप्स पर बेस हो रही होती है, जिसके अंदर पहला स्टेप होता है कि आइडेंटिफाई करना होता है कॉन्ट्रैक्ट को। दूसरा ये होता है कि उसमें हमें उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्लिगेशन देखनी होती है कि कितनी ऑब्लिगेशन है उसमें, उस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी ऑब्लिगेशन आ रही है। सही है, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अच्छा, तीसरा होता है कि डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस, जिसके अंदर अब सॉरी काफ़ी चीज़ें आ रही होती है, जैसे कि वेरिएबल कंसिडरेशन, फाइनेंसिंग कंपोनेंट, नॉन कैश कंसिडरेशन वगैरह वगैरह, इसके अंदर हम चीज़ें देखेंगे। फिर आता है कि एलोकेशन होती है ट्रांजैक्शन प्राइस की ओवर दी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाई करते हैं, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। और फिर लास्टली आता है रिकग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा, अब हम इसका पहला स्टेप पढ़ लेते हैं जो कि है आइडेंटिफाई दी कॉन्ट्रैक्ट आपका। सही। अच्छा, सबसे पहले जो IFRS 15 कहता है कि आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर के, भाई जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के दरमियान, जिसके अंदर राइट्स और ऑब्लिगेशन, मतलब उन दोनों पार्टीज के उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशन है, किसी के ऊपर क्या राइट है, किसका क्या किसी के ऊपर ऑब्लिगेशन है। तो एग्रीमेंट एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। सही है, अब जरूरी नहीं है ये रिटन हो, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपका स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज दैट क्रिएट्स
राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। अच्छा, अब होता क्या है कि हम जो रेवेन्यू है, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, हम वो कॉन्ट्रैक्ट कब रिकग्नाइज करेंगे। अच्छा, IFRS 15 ने कुछ रूल्स बताए हैं या कुछ कंडीशंस बताई हैं कॉन्ट्रैक्ट को रिकग्नाइज करने के लिए। तो अगर तो वो कंडीशंस हो गई या जो रूल्स हो गए कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, अगर तो वो उसको मीट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका रिकग्नाइज हो सकता है। अगर तो वो कंडीशन कोई भी एक ना मतलब फुलफिल कर पाए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिकग्नाइज नहीं हो सकता। अच्छा, तो क्राइटेरिया क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर चार बातें हैं जो कि हमें याद रखनी पड़ेंगी ताकि हम देखें कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिकग्नाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता। सबसे पहले आता है कि भाई जो भी पेमेंट की टर्म्स हैं बिटवीन पार्टीज, वो शुड बी इट शुड बी आइडेंटिफाई, मतलब जो भी उनके दरमियान मुआहिदा होगा पेमेंट से रिलेटेड वो आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, मतलब किस तरीके से आपकी पेमेंट हो रही होगी। उसके बाद पार्टीज शुड अप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज शुड अप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टीज राइट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट उनके दरमियान होगा वो अप्रूव होना चाहिए, और उनके दरमियान जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट्स है उन लोगों के, वो आइडेंटिफाई होना चाहिए, एक दूसरे को पता होना चाहिए। फिर आता है कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसका कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, मतलब वो बेनिफिशियल होना चाहिए। जाहिर है कोई भी मुफ्ते के अंदर तो काम नहीं कर रहा होगा, फ्री के अंदर तो आपका काम नहीं कर रहा होगा, कुछ ना कुछ तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, वरना तो कोई फायदा नहीं है। आखिरी चीज आती है कि भाई एंटिटी को इतना भरोसा होना चाहिए, एंटिटी के लिए प्रोबेबल होना चाहिए कि भाई सामने वाला आपको पेमेंट देगा। अगर तो प्रोबेबल नहीं है, मतलब पॉसिबल हो, तो आपका रिकग्नाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो ये एंटिटी के लिए ज़रूरी है कि जो भी सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रोबेबल, उसमें प्रोबेबल चांसेस ऑफ पेमेंट होनी चाहिए, प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल बी पेड। ठीक है, अब इससे एक रिलेटेड हम क्वेश्चन समझ लेते हैं ताकि आपको जो हमने पढ़ा है वो समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? एलोना हैज अ ईयर एंड ऑफ 31st December 2001। सही है। ऑन 30 September 2001 एलोना साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू प्रोवाइड देम विद एन एसेट ऑन 31st December 2001, मतलब 3 महीने के बाद। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल के कंट्रोल ओवर द एसेट पास टू द कस्टमर ऑन 31st December। जो कंट्रोल होगा एसेट का, ये आपके जब हम इसका स्टेप 5 पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कंट्रोल कब पास होता है। इसमें बताया गया है डेट हमें 31st December 2001 को जो भी कंट्रोल है एसेट का वो पास होगा, और जो कस्टमर है वो हमें 6 महीने बाद उसकी पेमेंट देगा जो कि है 1 मिलियन, दैट इज ऑन 30 जून 2002। अब हुआ क्या, इन्वायरमेंट में कोई या इकोनॉमिक पोजीशन के अंदर कोई चेंजेस आई हैं जो कि लिखा हुआ है बाय 31st December एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द इकोनॉमिक क्लाइमेट अलूना डिड नॉट बिलीव। क्या है कि भाई लिखा हुआ है डिड नॉट बिलीव दैट इट वाज प्रोबेबल दैट इट कुड वुड कलेक्ट द कंसीडरेशन दैट इट वाज एंटाइटल्ड टू।
मतलब अब अलूना को यकीन नहीं है कि जो उनकी जो पेमेंट है वो उन्हें मिलेगी, क्योंकि लिखा हुआ है इट वॉज डिड नॉट बिलीव, इट वॉज प्रोबेबल कि उनको जो कंसिडरेशन है वो उनको मिलेगी। तो अब आगे इन्होंने अपना आंसर सुना दिया है, क्या सुना दिया कि देयर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर एंड नो रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज। तो हमें दिमाग में ये बात बिठा लेनी चाहिए कि भाई अगर तो पेमेंट आपकी प्रोबेबल आपको लगेगा वो प्रोबेबल नहीं है तो फिर आप उसका कॉन्ट्रैक्ट रिकग्नाइज नहीं कर सकते। तो कोई भी चारों उसमें से आप हमें फोकस रखना हो कि भाई ये चारों स्टेप्स हमारे दिमाग में रहे, और जब भी कोई भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो हमें ये चार चीज़ें उसके अंदर देखनी हो। अच्छा, अब जो दूसरा 5 स्टेप्स के अंदर चीज आती है वो होता है आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट। स्टेप 2 क्या है, आइडेंटिफाई द पीओ लिख रहा हूं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, तो उसका जवाब है कि भाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कोई ऐसा वादा, कोई ऐसा प्रॉमिस कि भाई हम आपको कोई गुड्स और सर्विस जो कि डिस्टिंक्ट होंगे वो प्रोवाइड करेंगे। तो हम लिख देते हैं द प्रॉमिस टू ट्रांसफर डिस्टिंक्ट गुड और सर्विस टू अ कस्टमर। अच्छा, अब बात ये आती है कि भाई डिस्टिंक्ट क्या कहलाया जाता है। तो डिस्टिंक्ट के अंदर IFRS 15 हमें दो बात कहता है। अब वो दो बात क्या है कि भाई अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसा गुड है, कोई ऐसी सर्विस है जो कि सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल के मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी वो हमें मिल सकती है, मतलब कि जैसे कि कोई हम जैसे कि गाड़ी लेने जाते हैं टोयोटा के पास, तो वो अगर हम कोई नई गाड़ी निकलवाते हैं तो आपको कभी जाएं तो बोलेंगे जैसे कि आज हम आप गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हो, आपसे बोलेंगे आप हमें 50,000 रुपये और दे दे और हम आपकी 5 साल की मेंटेनेंस फ्री हो जाएगी आपकी, मतलब फिर आपकी 5 साल की मेंटेनेंस आपको बार बार पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मेंटेनेंस और गाड़ी दो अलग अलग चीज़ बिकती है। तो जब हम गाड़ी के इसमें फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी 30 लाख की है और 50,000 की मेंटेनेंस अगर टोटल हमें प्राइस पड़ी है 30,50,000 की, तो उसमें से सेपरेटली आइडेंटिफाइबल लेके भाई गाड़ी हमें 30 लाख की वैसे भी मिल जाती और 50,000 रुपये की मेंटेनेंस जब हम जब जब हम जाते तो हमें वो मिल जाती, तो मेंटेनेंस भी वो सेपरेटली प्रोवाइड कर रहे हैं और गाड़ी भी वो सेपरेटली प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, तो हम पहली कंडीशन तो ये आ गई कि भाई वो जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी गुड और सर्विस है वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, और दूसरी बात ये है कि जो भी गुड और सर्विस जो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है उससे कस्टमर बेनिफिट कर सकता है सेपरेटली। जाहिर है गाड़ी से आपको अलग सर वो बेनिफिट मिल रहा है, उसकी मेंटेनेंस से अलग बेनिफिट मिल रहा है आपको। अब एक और एग्जांपल ये कि भाई जैसे कि हम टीचिंग सर्विसेज के अंदर होते हैं, टीचिंग सर्विसेज के अंदर क्या होता है कि टीचर्स एक तो टीचिंग भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और साथ में अपनी बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो ये नहीं बोलते कि आप हमसे पढ़ोगे तो आप हमारी बुक्स ले सकते हो, तो एक दो चीज़ें इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो रही होती है। या तो आप एक काम कर सकते हैं कि हम सिर्फ उधर जाएं कोई इंस्टीट्यूट, हम बोले बस हमें बुक्स चाहिए तो आपको बुक्स भी प्रोवाइड कर देंगे, आप बोलो हमें टीचिंग चाहिए तो आपको टीचिंग के विद इन द कोर्स आपको वो टीचिंग भी दे रहे होते हैं और आपको बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये इसके अंदर एक विद इन द कॉन्ट्रैक्ट दो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जिससे आप मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद या कॉन्ट्रैक्ट से अलग भी आप उसको बेनिफिट ले सकते हैं उन चीज़ों से। इसी तरह एक एग्जाम्पल होती है मोबाइल और सिम की। जाहिर है मोबाइल का बेनिफिट आपको अलग मिल रहा है और सिम का बेनिफिट आपको अलग मिल रहा है। बाहर कंट्रीज में ये होता है कि आपको जैसे कि AT&T और इस तरीके के दूसरे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं सिम के, तो आप डायरेक्ट उनसे ना मोबाइल भी ले सकते हैं, वो आपको एक सर्विस फी देते हैं, मतलब आपको एक वो पैकेज देते हैं जिसके अंदर आप उससे मोबाइल की भी कंसिडरेशन ले रहे होते हैं और वो अपनी सर्विसेज की भी कंसिडरेशन ले रहे होते हैं।
आप मोबाइल भी अलग ले सकते हैं, आप उस सिम की अलग पैकेज भी ले सकते हैं, और वरना आप दोनों को साथ भी ले सकते हैं। तो ऐसी चीज है कि दोनों अलग प्रोवाइड भी हो सकती है और साथ भी आपको मिल रही है, तो उसके अंदर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल भी आ रहा है और सेपरेटली बेनिफिट भी आ रहा है आपको। तो उसके अंदर मैं लिख देता हूं द गुड्स और सर्विसेस इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर सर्विसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और दूसरी जगह मैं लिख देता हूं द कस्टमर गेट्स बेनिफिट फ्रॉम द गुड ऑफ सर्विसेस सेपरेटली। हमें यह ध्यान रखना होगा इसके अंदर कि दोनों कंडीशन जो बताई है ना मैंने आपको, अगर वो दोनों मीट हो रही है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो मतलब वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अगर उसमें से कोई भी एक मिसिंग है तो फिर ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहलाई जा रही होगी। मैं साथ साथ इसकी एग्जाम्पल लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे ये बात, कार प्लस मेंटेनेंस वाली बात और मोबाइल प्लस सिम वाली बात, ठीक है। अच्छा अच्छा आपको अगर आपने F7 में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप पढ़ा था, तो वो एक चीज भी कॉमन हो रही होती है कि भाई अगर आप किसी का गुड और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एजेंट बन के किसी और का गुड और सर्विस आगे किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो आपका जो भी रेवेन्यू रिकग्निशन होगा वो आपकी कमीशन के बेस पे होगा। एक बात ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा एक चीज आती है वारंटीज। अच्छा होता क्या है कि अगर कोई एंटिटी कोई भी गुड सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि एक मोबाइल फोन सैमसंग अपना मोबाइल दे रही है, सैमसंग अपना मोबाइल दे रही है, तो वो कहती है कि भाई आपके पास इसके अंदर 1 ईयर की वारंटी है। 1 ईयर की वारंटी में, विद इन 1 ईयर वारंटी अगर मोबाइल में कोई भी खराबी हुई, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आ गया या कुछ जल गया, फट गया, कुछ भी हो गया, तो वो उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो आपको रिफंड या तो दूसरा मोबाइल फोन अरेंज करके दें। तो ये वाली वारंटी जो है विद इन मोबाइल जो आपको मिल रही है, ये होती है IS-37 प्रोविजन कंटिंजेंट एसेट कंटिंजेंट लाइबिलिटीज के अंदर ट्रीट। अब एक और वारंटी ये होती है कि आज आपने मोबाइल लिया और वो आपको बोलते हैं कि भाई अगर आपको वारंटी चाहिए तो आपको $100 और देने होंगे कि आपकी वारंटी इतने से एक्सटेंड हो जाए। तो ये आपको वारंटी बेच रहे हैं, आपको वारंटी, चलो आप कहते हैं सैमसंग के पास गया, उसने बोला भाई आपको 1 साल की वारंटी, आपने बोला नहीं मुझे 2 नहीं 3 साल की वारंटी चाहिए, तो उन्होंने बोला अगर आपको 3 साल की वारंटी चाहिए तो आपको $100 एक्स्ट्रा देने होंगे। तो आपको ये एक वारंटी बेच रहा है, ये आपको एक अलग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपको ये अलग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो एक तो ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है कि भाई वो आपको वारंटी की सर्विस अलग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपकी तो 1 ईयर की थी, आपको वो 3 साल तक प्रोवाइड कर रहा है, और आपको ये सेपरेटली आपको बेनिफिट भी मिल रहा है कि आपका मोबाइल उन 2 साल पहले साल के बाद अगर अगले 2-3 साल में खराब हो गया, तो अगर आपको आपका 2-3 साल में अगर वो मोबाइल खराब हो गया, तो आपको चाहे फिर वो रिप्लेस करके दे या सही करके, तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये वाली वारंटी अंडर IFRS-15 ट्रीट हो रही होगी, सही है। अब वो वारंटी जितने साल पे उस पे स्प्रेड होके आपकी रेवेन्यू रिकग्निशन हो रही होगी, सही है। अच्छा अब आते हैं हम स्टेप 3 पे।
स्टेप थ्री के अंदर क्या है कि भाई डिटरमाइन करना है हमें ट्रांजैक्शन प्राइस। सही है। अब ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है भाई? ट्रांजैक्शन प्राइस कोई भी आपकी कंसिडरेशन जो कि आपने गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करने के हक में मिलेगी, मतलब आपने कोई चीज बेची है और उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं। जैसे मोबाइल आपने $100 में बेचा तो आपको $100 मिल रहे हैं, वो कंसिडरेशन आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस होगी। इस पे अगर कोई सेल्स टैक्स वगैरह लग रहा होता है तो वो आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं, वो सेपरेटली अकाउंट फॉर हो रहा होता है। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर हमें हमारे पास इस कोर्स में चार चीज़ें आ रही होती हैं। एक तो आ रही होती है वेरिएबल कंसिडरेशन, वेरिएबल कंसिडरेशन। दूसरी आ रही होती है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, फिर आपके पास होता है नॉन कैश कंसिडरेशन, और एक लास्ट होता है आपके पास कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर। अच्छा, अब वेरिएबल कंसिडरेशन क्या है? अब वेरिएबल कंसिडरेशन ये होता है कि आपकी जो प्राइस है या आपने कोई चीज बेची है, जैसे कि हम सेल और सेल रिटर्न पे बेसिस पे चीजें बेचते हैं, तो उसके अंदर एक सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी होती है कि कितनी चीजें वापसी आ जाएंगी। तो आपकी कंसिडरेशन जो है रेवेन्यू रिकग्निशन है वो वेरी कर रहा है, वो वेरिएबल है, क्योंकि आपको नहीं पता आपका कितना सेल और जो सेल हमने सेल रिटर्न पे बेचा है वो कितना वापसी आएगा। तो इसको डील करते हुए हमें एक एस्टिमेट करना होता है अपने पास एक्सपीरियंस की बेसिस पे कि कितना सामान हमारा वापसी आ सकता है, तो उसके हिसाब से हम अपनी रेवेन्यू रिकग्निशन करें। IFRS 15 कहता है कि इतना आप प्रिडिक्ट, मतलब अपना पास एक्सपीरियंस से जो आपको लगता है कि इतना अमाउंट का जो भी आपने सेल्स की है वो रिटर्न नहीं होगी, अपने बेस्ट एस्टिमेट पे आपने ये किया है, तो उतना अमाउंट का रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिसका मतलब कि हम उतना एक्सटेंड का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें जिसका रिवर्सल इम्पॉसिबल हो। तो एक शॉर्ट पॉइंट में मैं ये लिख देता हूं, वेरिएबल कंसिडरेशन से, ठीक है, बुक रेवेन्यू टू द एक्सटेंट वेयर रिवर्सल इज इम्पॉसिबल। आपका जो भी एस्टिमेट हो, उस जितना भी आपका जो भी बेस्ट एस्टिमेट है वो हाईली प्रोबेबल होना चाहिए कि भाई ये रिवर्सल नहीं होगा। सही। अब आपको ये दिमाग में रख, जैसे कि एग्जाम्पल होती है कोई भी बड़ी कंपनी, जैसे कि हमारे पास हाइपर स्टार है जिसको पता है, भी कराची के अंदर उनके पास जो भी कोई प्रोडक्ट रखवाता है उनको इतनी उम्मीद तो होगी भाई, जितना बड़ा मॉल है इतना बड़ा सुपरमार्ट है, तो इतनी उनको अश्योरिटी होती है कि भाई हमारा सामान बिक जाएगा। कुछ हो सकता है कि नहीं बिके, तो चलो उसकी वो एस्टिमेट कर लेंगे, लेकिन उनको इतनी श्योरिटी होती है कि एटमोस्ट ऑफ द हमारा जो भी सामान है वो बिक जाएगा। तो ये उसकी बेसिस पे आपका पहली चीज आ गई है वेरिएबल कंसिडरेशन। अच्छा, अब इसके साथ एक सवाल देख लेते हैं इसका। अच्छा, इसमें क्या लिख, ऑन 1 दिसंबर 2000 एंड X1 बिस्टो प्रोवाइड अ सर्विस। सही, ये सर्विस है टू अ कस्टमर फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ, 12 महीने में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, हर महीने इसकी सर्विस जा रही होगी। इसमें क्या है, कंसिडरेशन इज 12 मिलियन, जो उसकी कंसिडरेशन है जो कि सर्विस से रिलेटेड है, जो कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे रिलेटेड जो कंसिडरेशन है वो 12 मिलियन की है। अच्छा, ब्रिस्टो इज एंटाइटल्ड टू एन एक्स्ट्रा 3 मिलियन। सही है। इफ, अब ये कंडीशन आ गई है इसके अंदर, इफ आफ्टर 12 मंथ द नंबर ऑफ मिस्टेक्स मेड फॉल्स बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। एक कंडीशन अटैच हो गई है आपके लिए, अगर आपको ये एक्स्ट्रा 3 मिलियन अचीव करना है।
अब इसमें बताना है डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव इन बिस्ट्रोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 इफ ब्रिस्टो हैज एक्सपीरियंस ऑफ प्रोवाइडिंग आइडेंटिकल सर्विसेस। ये हमारी बात आ गई जो अभी हमने वेरिएबल कंसिडरेशन में पढ़ा था। अब इसके पास एक्सपीरियंस है आइडेंटिकल सर्विस प्रोवाइड करने की इन द पास, और उसने क्या बोला एंड इट इज हाईली प्रोबेबल दैट द नंबर ऑफ मिस्टेक मेड विल फॉल बिलो द एक्सेप्टेड थ्रेशहोल्ड। सही है। अब इसके पास इसका हाईली प्रोबेबल, इसके पास एक एस्टिमेट है कि जो नंबर ऑफ मिस्टेक होगी जो थ्रेशहोल्ड से कम होगी। तो अब इसका ये एक्सपीरियंस है पास। अब वरना तो अगर हमारे पास क्या कहते हैं जो एक्सपेक्टेड वैल्यू, हाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू, अब इसके अंदर तो खैर एक्सपेक्टेड वैल्यू लग नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर एक कंडीशन है, या तो 0 मिलियन होगा या तो एक्स्ट्रा 3 मिलियन होगा, वरना हम उसकी बेसिस पे कर लेते कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है। अच्छा, अब इसके अंदर या तो 0 होगा या तो 3 मिलियन होगा। तो अगर ये वाला केस है पार्ट ए, अब इसने इसका क्या है हाईली प्रोबेबल है कि वो जो मिस्टेक्स होगी वो बिलो थ्रेशोल्ड होगी। तो अब ये एक्स्ट्रा 3 मिलियन हमारी जो कंसिडरेशन है 12 मिलियन की, ये उसके अंदर कंसिडर हो रहा होगा। तो अब जो आपकी टोटल कंसिडरेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 15 मिलियन की। अब हमें बताना है कि क्या अकाउंट फॉर होगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर एज इट इज प्रोवाइडिंग सर्विस। कोई गो टू सर्वे डायरेक्टली उसका कंट्रोल पास नहीं हो जाएगा, सर्विस टाइम बाय टाइम प्रोवाइड हो रही होगी। ये आप अभी स्टेप 5 जब हम पढ़ेंगे तो आपके लिए और क्लियर हो जाएगा कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाइड हो रही होती है। सही है, एज अ सर्विस अभी तक के लिए आप इतना समझ लेंगे एज अ सर्विस है कि तो बाय द टाइम ये आपको प्रोवाइड हो रही होती है। तो ये हमें फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर बताना है, और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट में आया था ये था 1 दिसंबर, तो मतलब सिर्फ एक महीने के लिए हमें इसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। तो 15 × 1/12 तो जो हमारा अकाउंट फॉर होगा रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडेड वो होगा 1.25 मिलियन। सिमिलरली अच्छा, अब इसके पास क्या है ब्रिस्टन हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ प्रोवाइडिंग दिस सर्विस एंड इज अनश्योर, अनसर्टेनिटी है ऑफ द नंबर ऑफ मिस्टेक मेड विल फॉल बिलो द थ्रेशोल्ड। अब इसके पास कोई पास एक्सपीरियंस नहीं है ये एस्टिमेट करने के लिए कि जो उसकी मिस्टेक्स है वो थ्रेशोल्ड से कम होगी कि नहीं, वो अनश्योर है। तो फिर अब ये रेवेन्यू जो एक्स्ट्रा 3 मिलियन है वो हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है, बहुत वेरिएबल है। तो इस अब क्योंकि जाहिर है अगर हम इसको कंसिडर कर लेंगे तो एक तरीके से हम शायद मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी कंडीशन। हम एक तरीके से आपके दिमाग में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ओवर एस्टिमेट ना कर दें रेवेन्यू को। तो वेरिएबल कंसिडरेशन ने ये कहा है आपको कि जो भी रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा वो हाईली प्रोबेबल बेस्ट एस्टिमेट पे होना चाहिए। अब इसके बाद बेस्ट एस्टिमेट है नहीं क्योंकि इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये जो 3 मिलियन का एक्स्ट्रा रेवेन्यू है वो कंसिडर नहीं हो रहा होगा। अगर तो भले 12 महीने बाद उसकी जो थ्रेशोल्ड है वो कम होगा तो फिर वो भले 3 मिलियन का जो भी रेवेन्यू फुली रिकग्नाइज कर लेगा, उससे पहले हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते। तो जो भी रिकग्नाइजेशन फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2001 होगा वो 12 मिलियन जो कि सर्विस से है वो ही उसके मतलब वो ही प्रोरेट होके हमारे पास आ रहा होगा जो कि आपका होगा 1 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड। सही है, तो ये तो आपका एक चीज कंसिडर वेरिएबल कंसिडरेशन आपका एक स्टेप 3 की चीज कवर हो गई। अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज आ रही है वो होता है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट कब होता है? आपसे सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के अंदर दो बातें आती हैं कि जो आपकी पेमेंट टर्म है और जो आपका गुड सर्विस प्रोवाइड जिस दिन आपको मिल रहा है जो भी गुड सर्विस है उनके दरमियान एक मटेरियल टाइम डिफरेंस है। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट तो हम इसमें लिख देते हैं मटेरियल डिफरेंस बिटवीन टाइम ऑफ सर्विस एंड टाइम ऑफ पेमेंट।
ठीक है। तो कोई भी एंटिटी जब ये कंसिडर कर रही हो अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस ताकि वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करे, तो उसको चाहिए कि वो टाइमिंग ऑफ पेमेंट और जब वो बेनिफिट उस कस्टमर को मिलेगा जो भी गुड और सर्विसेज है उसके अंदर कितना टाइम डिफरेंस है। अगर तो वो मटेरियल हुआ तो आपको जो भी कंसिडरेशन है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करना होगा और जो परसेंटेज या जो भी हम इंटरेस्ट रेट उसको डिस्काउंट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू पे यूज करेंगे वो आपका होगा बोरोइंग मनी करने का इंटरेस्ट रेट। अब जैसे कि एक बात है कि भाई कोई गुड है वो ईयर जीरो अब कोई गुड है अगर वो आपको 2 साल बाद मिल रहा है उसकी प्राइस है 12,100। अब कोई कस्टमर आता है वो बोलता है कि भाई मुझे आपको ये 2 साल बाद अब मुझे गुड चाहिए और मैं आपको उसकी पेमेंट आज कर रहा हूं, तो आज के टाइम में उसकी जो पेमेंट है वो आपको दे रहा है 10,000 रुपये, तो उसको एक बेनिफिट मिल रहा है एक तरीके से, उसने आपको आगे की पेमेंट कर दी है, आपको एंटिटी को एक तरीके से ये बेनिफिट मिल गया है कि जो 12,100 है वो आज हमें मिल गए उसकी प्रेजेंट वैल्यू के अंदर जो के है 10,000 रुपये। अगर आप इसको इंटरेस्ट रेट हम अज्यूम कर लेते हैं 10%, तो आप इसको इस वैल्यू को डिस्काउंट करोगे 2 सालों पर तो ये 10,000 आएगा, ये आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा। अब एक तरीके से अगर तो हम कोई गुड है सही है वो हम जो देंगे वो 2 साल बाद देंगे और उसके पैसे हमें आज मिल गए हैं एंटिटी को, तो एक तरीके से ये जो 10,000 रुपये हैं वो कहलाए जाएंगे एंटिटी के लिए लोन। जाहिर है उसको तो पहले चीज मिल गई है ना, उसको जो अमाउंट है जो भी उसकी कंसिडरेशन है वो तो आज उसको मिल गई है, तो उससे वो जाहिर है कुछ ना कुछ कमा रहा होगा। तो एक तरीके से जब तक वो कंसिडरेशन उसके पास है वो लोन ट्रीट हो रही होगी। अच्छा अगर हम सेम ये इंटरेस्ट हमने इसको अज्यूम कर लिया ना, ठीक है, इसकी जो एंट्री बनेगी वो होगी कि भाई बैंक में उसके पास 10,000 आ गए हैं और लोन उसके पास 10,000 हो गया है, सही है, जो ईयर एट द ईयर ऑफ स्टार्टिंग ईयर 0 में हमारी एंट्री बन जाएगी। अब अगर वो बैंक में रखे या जो भी करे उसको उस पर इंटरेस्ट तो मिल रहा होगा ना, तो हम क्या करेंगे भाई 10,000 को 10% पे डिस्काउंट करेंगे तो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर लेंगे और हमारा लोन जो होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी बाय 100, 1,000 होगा। अब इसको समझते हैं, देखें आज आज आपको एक कंसिडरेशन मिल गई है, उस बंदे ने हमें पैसे दे दिए हैं, सही है, उसने आज हमें 12,100 वाले के आज 10,000 रुपये दे दिए जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू बनती है, तो हमारे ऊपर तो एक ऑब्लिगेशन बन गई ना कि भाई हमें वो 12,100 रुपये की चीज को 2 साल बाद देनी है, तो हमारे लिए आज 10,000 रुपये एक तरीके से लोन हो गया कि उसने भाई अपना गुड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमें 10,000 रुपये दे दिए कि हम उसका वो गुड बना के देते हैं, हमें कोई पैसे दे दिए, एक लोन दे दिया है हमें।
तो अगर हमें लोन दे दिया है तो उसकी वैल्यू बढ़ रही होगी ना, साथ साथ हमें 12,000 ₹100 की चीज प्रोवाइड करनी है, जिसके उसने आज हमें ₹10,000 दिए हैं, तो जो उस पर डिस्काउंट, जो उस पर इंटरेस्ट होगा, हमारे लिए एक्सपेंस होगा ना, क्योंकि हमें वो 12,100 तक जाना है, तो हमें ये पे करना है, जो भी करना है हमारे लिए एक एक्सपेंस हो गया, क्योंकि हमें वो 12,100 की इसको चीज प्रोवाइड करनी है। सिमिलरली अब ईयर टू पे जब हम आएंगे, हम 1,000 को अक्यूमुलेट करेंगे, इन दोनों की जो अमाउंट क्यूमुलेटिव हो जाएगी वो हो जाएगी 11,000। अब 11,000 पे हम फिर डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट लगाएंगे 10% का, जो कि बन जाएगा आपका ₹1,100, और हमारा जो लोन हो जाएगा वो फिर 1,100 से बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारी फिगर बन जाएगी एट द ईयर एंड ऑफ ईयर टू, वो बन जाएगा 12,100। तो ईयर टू पे हमने जब उसको वो गुड बेच दिया, उसको उसके हाथ में उसका कंट्रोल दे दिया, तो अब हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन खत्म हो गई। तो जब ऑब्लिगेशन खत्म हो गई तो जो लोन अमाउंट हमारी एक्यूमुलेट होके 12,100 बन रही थी वो डेबिट हो गई, वो हम पे खत्म हो गया। अब ईयर एंड पे जब हमने वो कंट्रोल उस गुड का दे दिया तो हमारी सेल हो गई, तो हम क्या कर देंगे भाई, डेबिट कर देंगे लोन को और क्रेडिट कर देंगे हमारी जो सेल्स हो रही होगी 12,100 की। अब इसी तरह एक और कंडीशन है, जिसके अंदर होगा कि गुड और सर्विस जो भी है हमने अपने कस्टमर को आज प्रोवाइड कर दी है, सही है, लेकिन जो पैसे वो हमें देगा वो जाके 2 साल में देगा। अब इसके अंदर भी जाहिर है फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, क्योंकि फाइनेंसिंग कंपोनेंट कोई भी कंडीशन पे हो सकता है, एक टाइमिंग डिफरेंट बिटवीन द पेमेंट हो सकता है, टाइमिंग बिटवीन दी गुड हो सकता है। अब होता क्या है भाई, अब 2 साल में हमें वो पेमेंट देगा, अच्छा अब जो चीज है वो एट द टाइम ईयर जीरो पे, एट द टाइम ईयर जीरो पे वो है 10,000, आज 10,000 की, अगर हम उसको 2 साल बाद बेचें तो वो है 12,100 की। तो देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस, अब पेमेंट के अंदर भी टाइम डिफरेंस होगा, अगर कोई चीज हमसे 2 साल बाद बंदा खरीदेगा तो हम उसको 12,100 की देंगे, अगर वो आज हमसे खरीदता है वो हमें हम उसको 10,000 की देंगे, हम सेम इंटरेस्ट रेट 10% ही का यूज हो रहा है अगर हम इसको प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा अब जो भी अगर कस्टमर हमसे आज गुड लेके चले गया तो हम क्या करेंगे भाई, रिसीवेबल हमारे लिए एक तो वो हमारा डेप्टर बन गया, सही है, 10,000 का, और हम अपनी सेल्स क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। यहाँ तक तो हमारा खत्म हो गया IFRS 15 कि भाई हमने रिकॉर्ड कर दिया रेवेन्यू अपना जो भी है। अब जो आगे की इसकी जो डील हो रही होगी, जो भी अब आगे इसके पैसे, क्योंकि जाहिर है हमें 2 साल में जाके दे रहा होगा ना तोड़ तोड़ के पैसे, एक ईयर वन में दे रहा होगा और एक ईयर टू में, तो ये आप जब IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे होंगे तो ये अब उसके अंदर आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा। अब इसकी हमें हम इस पे इंटरेस्ट रेट से इसको आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे लिए जो, क्योंकि जाहिर है हम एट द ईयर एंड जो कमा रहे होंगे ईयर टू में टोटल 12,100 कमा रहे होंगे, तो हमें उसका बेनिफिट मिल रहा होगा कि भाई हम जब 1,000 को डिस्काउंट करेंगे 10% पे, जो फिगर आ रही होगी 1,000, तो अब ये हमारी जो 1,000 है ये हमारी इंटरेस्ट इनकम बन जाएगी, क्योंकि एक तरीके से समझो हमने डिपॉजिट कर दिया, तब हमें कमा हमें उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, हमने सेल की थी 10,000 की लेकिन उधार पे की थी, और वो हमें जो ओवरऑल पैसे देगा वो 12,100 के देगा, तो हमारी सेल तो उस दिन 10,000 की हो गई, लेकिन जब हमें फर्दर बेनिफिट मिल रहा है वो रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहलाती है वो उससे रिलेटेड है, जो कि अंडर IFRS 9 कंसिडर किया जा रहा होगा। तो हमारी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी अब यह 10,000 से बढ़ गई है, जाहिर है एक साल है हम अपनी वरना टाइम वैल्यू ऑफ मनी लूज कर रहे होंगे, तो ये जो 1,000 रुपये हैं इससे हमारा जो है रिसीवेबल बढ़ जाएगा।
और सिमिलरली जो हमारा बेनिफिट होगा वो होगी हमारी इंटरेस्ट इनकम। एक मिनट, अच्छा हाँ, ये हमारी इंटरेस्ट इनकम हो रही होगी, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा ईयर टू पे होगा वो अक्यूमुलेट हो जाएगा, 1000 प्लस 10 हजार 11 हजार हो जाएगा। अब जो हमें इंटरेस्ट इनकम होगी हमारी, अब 11 हजार पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा होगा, जो कि होगा डेबिट, पहले हम रिसीवेबल कर देंगे। सिमिलरली इंटरेस्ट इनकम हमारी क्रेडिट हो रही होगी 1100 से, सही है। ईयर टू पे जो भी हमें अमाउंट मिलेगी ये 12100 की, तो बैंक में हमें जो पैसे मिल रहे होंगे 12100 के, और हमारा क्रेडिट हो जाएगा रिसीवेबल, क्योंकि अब वो हमें अमाउंट मिल गई है जो कि वो है 12100 की। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हम वो देख लेते हैं। अब इसमें लिखा है रूट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल इक्विपमेंट ऑन 31 दिसंबर 2001, टू सेल इक्विपमेंट ऑन 31 दिसंबर 2001। द कंट्रोल ऑफ द इक्विपमेंट ट्रांसफर टू द कस्टमर ऑन दैट डेट। द प्राइस स्टेटेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज 1 मिलियन एंड इज ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2003। देर इज अ मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द पेमेंट ऑफ डेट। मार्केट रेट, जो भी इंटरेस्ट अवेलेबल है जिस पे भी अगर हम कस्टमर पैसे बोरो करे, वो है 10%। नाउ एक्सप्लेन हाउ दिस ट्रांजेक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रूट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2001। अब ये क्वेश्चन है, 5 मिनट में आप खुद सोच लें, खुद सॉल्व करने, वरना मैं करा देता हूँ। ये आप अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो पॉज करके कर लिएगा क्वेश्चन, और फिर वीडियो को रिज्यूम कर लिएगा। अच्छा, अभी जो हमने एक एग्जांपल अभी जो पीछे पीछे अभी लास्ट लास्ट पढ़ी है, जिसके अंदर हमने बताया था कि वो गुड आज प्रोवाइड कर रहा है और जो पेमेंट कर रहा है वो 2 साल बाद कर रहा है, और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन अब हमारे सामने है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो इक्विपमेंट सेल कर रहा है वो 31 दिसंबर 2001 को कर रहा है, सही है। अब उसमें लिखा हुआ है ना आगे ट्रांसफर कर दिया उस डेट को, और जो हमें पेमेंट कर रहा है वो 2 साल बाद कर रहा है, 3 साल बाद नहीं, क्योंकि 31 दिसंबर 2000 एट द ईयर एंड लास्ट डेट पे उसने ट्रांसफर की, तो 2 साल का टाइमिंग डिफरेंस है। तो अगर हम अपनी पीछे जो बात हमने की थी कि जो फाइनेंसिंग कंपोनेंट कब होता है, जब देयर इज अ मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द पेमेंट ऑफ टाइम पेमेंट डेट और जो गुड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके दरमियान अगर बहुत मटेरियल टाइम डिफरेंस है, तो
तो वो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। अब क्योंकि कंसिडरेशन हमें 2 साल बाद मिल रही है जो कि है 1 मिलियन की, तो आज के टाइम में क्योंकि हमें ईयर एंड जो है 31 दिसंबर, इसके लिए जो हमें फिगर चाहिए होगी वो प्रेजेंट वैल्यू पे चाहिए होगी। अगर ये 1 मिलियन है, हम इसको डिस्काउंट करें 10%, तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो है 0.826 मिलियन की। तो हम 31 दिसंबर 2021 को जो अमाउंट रिकग्नाइज करेंगे एज रेवेन्यू, वो होगी 0.826, क्योंकि हमारा रेवेन्यू तो आज हमने प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दिया। अब यहां पे IFRS 15 खत्म। अब जो आगे हमें इंटरेस्ट इनकम जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हमारे पैसों की होगी, जो उस पर हमें इंटरेस्ट इनकम एक तरीके से मिल रही होगी, वो अंडर IFRS 9 कंसिडर किया जा रहा होगा। तो अगर हम करें 31 दिसंबर 2022 के लिए जो, तो हमें जो अमाउंट मिलेगा वो 0.826 × 10% जो कि होगा डेबिट रिसीवेबल 0.0826, और जो हम क्रेडिट करेंगे वो हमारी होगी इंटरेस्ट इनकम 0.0826। इसी तरह 31 दिसंबर 2023 के लिए हम कर लेते हैं। सवाल हमारा ख़त्म हो गया है 31 दिसंबर 2021। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है ताकि आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाए कि अगर कभी क्वेश्चन इस तरह आ जाए तो हमें किस तरह आगे डील करना होगा। अब जो क्यूमुलेटिव रेवेन्यू होगा हमारा, वो क्यूमुलेटिव रिसीवेबल होगा 0.826 प्लस 0.0826, टोटल 0.9086। इसको आप 10% से डिस्काउंट करेंगे डेबिट रिसीवेबल 0.09086, और यही आपकी क्रेडिट हो रही होगी इंटरेस्ट इनकम। अच्छा, अब यही अमाउंट आप टोटल करेंगे तो जो आपकी फिगर है 1 मिलियन की, आपको वहां तक पहुंच जाना चाहिए 0.826 0.9946 जो भी आ रहा है, ये इसलिए क्योंकि राउंडिंग ऑफ हमने वो 3 फिगर पे किया हुआ था, बाकी हमने वो आगे मोर देन 3 फिगर पे किया था। तो हमारा जो अल्टीमेट अमाउंट जो पहुंच जाएगी वो 1 मिलियन पे पहुंच जाएगी। ये आप देख ले सवाल, और उसके बाद फिर हम इसकी दो चीज़ें रहते हैं वो कवर कर लेते हैं स्टेप 3 के अंदर। फिर आता है नॉन कैश कंसिडरेशन। इसमें क्या होता है, अगर आपने कोई भी चीज अपनी बेची है और उसके बदले सामने वाले ने आपको कैश के अलावा कोई भी चीज दी है जो कि नॉन कैश, एग्जांपल्स आपको शेयर दे दिए हैं अपनी कंपनी के कि आपने ये सामान दिया है, हम आपको अपनी कंपनी के शेयर दे रहे हैं, तो ये एक नॉन कैश कंसिडरेशन हो रही है। तो इस के लिए IFRS कहता है कि जो भी उस दिन उस नॉन कैश कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू है उस पे आपका रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा। अगर कोई ऐसी चीज प्रोवाइड कर दी है जिसकी वैल्यू एस्टिमेट नहीं किए जाती, जिसकी फेयर वैल्यू उस दिन हमें नहीं मिल सकती या उसकी फेयर वैल्यू नहीं निकाले जा सकती, तो आप अपना जो भी गुड और सर्विस है जिस पे आप बेचते हैं, जो भी उसकी प्राइस है, उस पे रेवेन्यू रिकग्नाइज कर ले। लेकिन ये जब ही पॉसिबल होगा अगर उस नॉन कैश कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, वरना IFRS 15 कहता है जो भी उस नॉन कैश कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ सेल, जो भी उसकी वैल्यू है उस पे रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा। मैं लिख देता हूँ, नॉन कैश
कंसिडरेशन इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू इफ फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन कैन नॉट बी एस्टिमेटेड देन द ट्रांजेक्शन इज मेजर्ड यूजिंग द स्टैंड अलोन जो भी उस गुड और सर्विसेस की सेलिंग प्राइस है उस पे इसी का एक सवाल है वो भी कर ले ताकि ये भी साथ साथ कवर हो जाए। इसमें क्या लिखा है डैन सोल्ड गुड्स टू स्टैन कंट्रोल जो है ओवर द गुड वॉज ट्रांसफर्ड ऑन 1 जनवरी। ठीक है ये कंट्रोल जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन की डेट आ गई सही है। द कंसिडरेशन रिसीव बाय डैन वॉज 10,000 शेयर इन स्टैन तो हमें उसने शेयर दिए उस गुड के लिए जिसकी फेयर वैल्यू थी $4 ईच। बाय 31 दिसंबर 2001 द शेयर इन स्टैन हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ $5 ईच। हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डैन फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2001। हमने अभी पढ़ा कि अगर हमें कोई भी नॉन कैश कंसिडरेशन मिल रही है अपनी गुड और सर्विसेज के बदले तो जो उसकी फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ सेल होगी उस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें 4,000 शेयर्स मिल रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 4,000 जो हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा वो होगा $4,000 पे। अब जो फर्दर इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है शेयर की जो कि एट द ईयर एंड $5,000 हो गई है दैट इज 1,000 का इंक्रीज आ रहा है। ये इंक्रीज अंडर IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रीट होगा। जब आप उसके अंदर शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी जो फेयर वैल्यू एट द ईयर एंड इंक्रीज हो गई है तो वो जो इनकम हमारी जनरेट हुई है जो हमारा इंक्रीज हुआ है इन द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर वो अंडर IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डील हो रहा होगा। हमारा रेवेन्यू का जो ताल्लुक है 31 दिसंबर के लिए वो हमारा ये होगा 4,000। अच्छा अब ये सवाल भी हो गया। एक चीज इसके अंदर रह गई हमारी लास्ट जो के है कंसिडरेशन पेबल टू अ कस्टमर। कंसिडरेशन पेबल टू अ कस्टमर। अच्छा अब इसके अंदर दो सिनेरियोज होते हैं सही है। अगर तो हम कोई कंसिडरेशन पे कर रहे हैं इन एक्सचेंज फॉर अ गुड और सर्विस मतलब हमने कोई गुड और सर्विस उसको दी है और मजीद कोई कंसिडरेशन हम उसको पे कर रहे हैं हमने कोई गुड एक्सचेंज किए हैं सामने वाले के साथ और हम कंसिडरेशन उसको पे कर रहे हैं हम कोई गुड्स और सर्विस ले रहे हैं और सामने हम उसको कंसिडरेशन पे कर रहे हैं। एक तो ये नॉर्मल सिनेरियो हो गया जो कि एक परचेज ट्रांजैक्शन होगी हमारे लिए हम सामने वाले से कोई गुड डिस्टिंक्ट गुड और सर्विस ले रहे हैं एक्सचेंज कर रहे हैं और सामने से हम कंसिडरेशन पे कर रहे हैं। एक तो ये नॉर्मल सीधी सी बात है। अब होता क्या है कुछ
जैसे कि सुपर मार्ट्स हो गए या कोई बड़े बड़े जो मॉल्स वगैरह हो गए, उसमें ब्रांड्स क्या करते हैं, शेल्फ खरीदते हैं। आप कहीं भी जाएंगे ना तो उनकी अलग से ब्रांडिंग मार्केटिंग शेल्फ बने हुए होते हैं उस सुपर मार्ट के अंदर। तो होता क्या है, वो जो ब्रांड होता है वो उस शेल्फ का एक तरीके से रेंट दे रहा होता है कि वो अपने गुड और सर्विस उस पे रख सके। क्या कर रहा होता है वो, एक अमाउंट टोकन ऑफ मनी उस शेल्फ के लिए दे रहा होता है ताकि उसकी एक जगह, एक प्लेस उसके लिए फिक्स हो जाए कि भाई हमारी यहाँ पे मार्केटिंग है, हमारा यहाँ पे ब्रांड, सिर्फ हमारे यहाँ पे गुड्स और सर्विस होंगे। कहीं भी आप जाएंगे जैसे कि हाइपर स्टार में चले जाए तो एक, जैसे कि पेप्सी का एक अलग से बना हुआ होता है शेल्फ, कोक के लिए अलग बना हुआ है, तो वो एक अपने शेल्फ के लिए पैसे दे रहे होते ताकि वो उस शेल्फ पे सिर्फ उनका वो गुड जो भी प्रोडक्ट है वो वहां पर हो। तो जो भी अमाउंट वो पे कर रहे होंगे, एक तो उनका जो सामान उससे बिकेगा और जो शेल्फ के पैसे दे रहे होंगे वो नेट हो जाएंगे, एक उनकी जो ट्रांजेक्शन प्राइस होगी, जैसे कि उनका जो ओवरऑल ऑल टुगेदर जो सामान बिका था वो 5,000 का था और जो शेल्फ के लिए उन्होंने पैसे दिए थे वो 1,000 दिए थे, तो जो उनका रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा वो होगा नेट अमाउंट पे जो कि होगा 4,000 रुपये। अब बात यह है कि भाई उन्होंने जो कंसिडरेशन पे की थी वो उस शेल्फ के लिए पे की थी, जो कंसिडरेशन पे की थी वो उस शेल्फ के लिए पे की थी, ना कि उन गुड्स और सर्विसेज के लिए। अब फिर वो जो भी प्रोडक्ट रखे वो उस जगह के पैसे दे रहे होते हैं, तो वो जो अमाउंट पे कर रहे होते हैं, फिर वो जो उनका रेवेन्यू होता है उस जो भी प्रोडक्ट बिक रहा होता है उससे नेट ऑफ होके जो ट्रांजेक्शन प्राइस बन रही होती है वो रेवेन्यू हमारा रिकग्नाइज हो रहा होगा। अब ये दो सिनेरियोस थे इसके अंदर जो मैंने आपको समझा दी, एक तो कि भाई हमने कोई गुड और सर्विस लिए सामने वाले से और सामने कंसिडरेशन हम पे कर रहे हैं, तो एक तरीके से परचेज ट्रांजेक्शन है, नॉर्मल सी बात है। अगर तो हम कोई चीज रखने के लिए कस्टमर को, जो भी हमारा एक तरीके से अगर हम एंटिटी है या हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और सामने एक हाइपर स्टार है, कोई मॉल है, कोई सुपरमार्ट है, वो हमारे लिए कस्टमर, हम जो उसको कंसिडरेशन दे रहे हैं अपना शेल्फ बनाने के लिए हमारा, ताकि उस पर हमारा प्रोडक्ट और कोई भी सर्विस बिके, तो हम उस प्रोडक्ट और डिस्टिंग गुड जो भी सर्विस है उसके लिए नहीं, अपनी शेल्फ एक जगह रखने के लिए हम उसको अमाउंट पे कर रहे हैं। तो जो अमाउंट पे बिक, जो सॉरी जो प्रोडक्ट से बिक रहा होगा, जो भी इसका रेवेन्यू रिकग्नाइज हो रहा होगा, वो जो हमने शेल्फ के लिए पैसे दिए उससे नेट ऑफ होके जो हमारा प्राइस बन रही होगी वो हमारा रेवेन्यू रिकग्नाइज हो रहा होगा। अच्छा, अब मैंने आज यहाँ पे 3 स्टेप्स आपको कवर करा दिए, इसके आगे दो मजीद स्टेप्स है, कुछ मॉडिफिकेशन है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होती है, वो एक चीज है, तो वो एक आगे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई भी चीज़ समझने में इश्यू हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लीजिए।